हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लास में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई को स्टडी करेंगे। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है और न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से स्टडी भी किया है और आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। वैसे स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिक जो है हमारे पास, वो मैंने बाय नेम यहाँ मेंशन की है। चार्ज, मास, साइज, डेंसिटी, स्टैटिक्स, न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट एंड पैरिटी। नॉर्मली हम इन सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे और इन सब की वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे और ये सब चीजें किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और एक न्यूक्लियाई से दूसरे न्यूक्लियाई की तरफ जब आप जाओगे तो इनकी वेरिएशन किस रेट से होगी, वो सब चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर लेंथी ना हो इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ दे आर मोर फंडामेंटल, या जो मैं सेकेंड में डिस्कस करूंगी वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, सभी प्रॉपर्टीज सिंपल हैं। आज मैं आपके साथ पांच प्रॉपर्टीज न्यूक्लियस की डिस्कस करूंगी। नंबर वन, चार्ज, मास, साइज, डेंसिटी एंड स्टैटिक्स। गॉट माई पॉइंट? और इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ मेंशन की हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ चार्ज, जो एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल शो किया है जो यहाँ लिखा हुआ है एक्स और ए और जेड। ये एक्स जो है ये किसी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। गॉट माई पॉइंट? मैं इसके न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर है सब आपको? और आपको पता है कि हमने जो हाइपोथेसिस स्टडी किए थे उसमें सक्सेसफुल हाइपोथेसिस जो था वो था प्रोटोन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। तो उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो है वो प्रोटोन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। गॉट माई पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे आपको थ्रू पिक्चर ये चीज शो करने की कोशिश की है कि अगर ये एटम जो है, मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो टोटल किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियन होते हैं दैट इज ए। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ प्रोटोन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करो तो टोटल वो ए होते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये प्रोटोन शो किए हैं और ये न्यूट्रॉन है, इन दोनों से मिलकर ही हमारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है। तो अगर मैं टोटल न्यूक्लियॉन की बात करूं तो प्रोटॉन जो होंगे वो टोटल जेड होंगे किसी एक न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन का नंबर होता है ए माइनस जेड। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किसी भी न्यूक्लियस में टोटल न्यूक्लियॉन कितने होंगे, जेड प्लस ए माइनस जेड। अगर मुझे एक प्रोटॉन का चार्ज पता हो और न्यूट्रॉन का चार्ज पता हो तो मैं टोटल न्यूक्लियस का चार्ज निकाल सकती हूँ। सो सिंपल। और ये चीज आप बहुत बेसिक सी 7th-8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक प्रोटोन पे प्लस ई चार्ज होता है। गॉट माई पॉइंट? तो टोटल प्रोटोन आपके पास है कितने, जेड। तो टोटल प्रोटोन की वजह से कितना चार्ज होगा आपके पास, प्लस जेड ई। गॉट माई पॉइंट? अब न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं इस बात की चार्ज में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो होगा वो जीरो। तो टोटल चार्ज जो न्यूक्लियस पे आएगा दैट विल बी नो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि उस पर तो चार्ज है ही नहीं। तो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज उतना ही होगा जितना प्रोटॉन पे होगा। अगर आप इक्वेशन से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, प्लस जेड ई जीरो। तो नेट चार्ज न्यूक्लियस पे कितना हुआ,
प्लस जेड ई। मैंने इस तरीके से आपको इसलिए बताया क्योंकि थ्रू डायग्राम ज्यादा समझ में आता है स्टूडेंट्स। वैसे बहुत सिंपल सी चीज है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटोन पे एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है। तो आप चेक कर लोगे टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं और वही चार्ज आपके न्यूक्लियस पे होगा। तो हम यहाँ से इस डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और कितने अमाउंट से होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लस जेड ई किसी न्यूक्लियस पे चार्ज होगा जिसका एटॉमिक नंबर जेड हो और मास नंबर ए हो। गॉट माय पॉइंट? तो ये तो मैंने बात की स्टूडेंट्स आपके साथ न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है। नॉर्मली आपको पता है जो एटम होता है ना उस पे चार्ज जीरो होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होगा प्लस का उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो ओवरऑल अगर आप एटम की बात करो तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और अगर हम न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की बात करें तो एक न्यूक्लियस पे प्लस जेड ई चार्ज होगा। और ई आपको पता है स्टूडेंट्स कि ई की वैल्यू क्या होती है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। गॉट माय पॉइंट? तो होप सो आपको चार्ज ऑन द न्यूक्लियस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ मास की, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास कितना मास होगा, ठीक है। सेम वैसे ही जब भी हम जनरल डिस्कशन करते हैं तो हमें एक जनरल सा एग्जांपल भी कंसीडर करना पड़ता है। मैंने यहाँ भी एक ये सिंबल बनाया स्टूडेंट्स, इसमें एक्स एक एटम है जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। मैं इसके न्यूक्लियस के मास को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही पिक्चराइजेशन किया है जो मैंने प्रीवियस आपके पास प्रॉपर्टी में किया था। ये प्रोटॉन्स हैं, ये आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को मिलाकर आपका न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स का जेड नंबर होगा और न्यूट्रॉन्स का आपके पास ए माइनस जेड होगा। तो टोटल न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियन हुए? इतने, ठीक है। अब आपको पता है कि एक प्रोटोन का मास अगर आपको पता हो तो आप जेड प्रोटोन का मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें MP एक प्रोटोन पे कितना मास है वो है, मैंने इसको टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास कितना आ गया, ये सभी प्रोटॉन्स का मास है। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ए माइनस जेड है, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन का मास इतना है, तो अगर मैं नंबर को एक न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल न्यूट्रॉन की वजह से मास इतना हो जाएगा। तो न्यूक्लियस का मास अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो हम इन दोनों कंटेंट को ऐड कर देंगे। तो प्रैक्टिकली जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तब हमें मास जो निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसमें जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, एम पी एक प्रोटोन का मास, ए मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर और Mn इज अ मास ऑफ न्यूट्रॉन। गॉट माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स ये तो हुआ आपके पास एक न्यूक्लियस का मास कितना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड कर दूं तो एटम का मास बन जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास उसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका मतलब अगर ये चीज 100 है और ये 100 है तो इलेक्ट्रॉन का अगर आप ऐड कर भी रहे हो 10 तो वो बहुत कम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इस मास की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना वो 99.9% मास को कंटेन करता है एटम के। जो थोड़ा बहुत मास एटम का ज्यादा आ रहा है वो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करने की वजह से होता है। गॉट माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स इस पे ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इस पे बाइंडिंग एनर्जी की कंट्रीब्यूशन भी मास से ही समझ में आती है, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट भी यहीं से समझ में आता है।
और आपने बहुत सी रिएक्शंस भी पढ़ी हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, वहां पे हम ये कह देते हैं कि एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मींस मास से एनर्जी बन सकती है और एनर्जी से मास, इसका मतलब उनमें कोई रिलेशन तो होगा। तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मास और एनर्जी में कन्वर्जन क्या है और मास की पर्टिकुलर क्वांटिटी से हम कितनी एनर्जी बना सकते हैं या पर्टिकुलर एनर्जी से हम कितना मास बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करना चाहते हैं मास एनर्जी की कैलकुलेशंस। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ यहाँ पे ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये रिलेशन जो है ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगी। आप अपनी बुक में ओपन करके देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बहुत ही प्रोमिनेंट फॉर्मूला है ये न्यूक्लियर फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स को करते वक्त पॉपुलर भी है। दैट इज 1 AMU इज इक्वल्स टू 931.4 MeV। अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड जो ये यूनिट्स हैं ये मास के हैं और राइट हैंड साइड जो मैं यूनिट्स लगा रही हूँ MeV वो एनर्जी के हैं। मींस ये इक्वेशन आपको बता रही है कि कितने अमाउंट, मतलब अगर आप 1 AMU मास की बात करो तो वो जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो मास 931.4 MeV एनर्जी के इक्वल है। मीन्स दिस इक्वेशन डिटरमाइन यू अबाउट द इक्विलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। गॉट माई पॉइंट? मैंने यहाँ एक डायग्राम भी बनाया है स्टूडेंट्स, अगर आप इस पिक्चर को देखो तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो चीज है ये एक एटम को शो कर रहा है, मीन्स पार्टिकल्स है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ये शो किया एनर्जी, मीन्स मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये एरो इस चीज की सिग्निफिकेशन देता है और इससे हमें पता लगता है कि एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है तो हमें उनके बीच में रिलेशन निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो मैंने लिखा 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसको तुम 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 AMU बन जाएगा। आई रिपीट इट कि अगर आप कार्बन 12 एटम के एक एटम लिया आपने कार्बन 12 का, उसके मास को अगर आप 12 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास 1 AMU की वैल्यू आ जाती है। गॉट माई पॉइंट? अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बन 12 ही क्यों लिया, ठीक है मैं कोई और एटम भी ले सकती थी। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूँ कि इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि व्हाई वी टेक ओनली कार्बन 12 एटम। तो ये आपका सबसे स्टैंडर्ड एटम है। स्टैंडर्ड किस सेंस में कहना चाह रही हूँ मैं कि आप दो चीजें पढ़ते हैं, एक कि किसी भी एटम का एक्चुअल मास और एक होता है मास नंबर। तो मास नंबर तो एक ऐसा इंटीजर होता है जो हमने किसी भी एटम को असाइन किया होता है और वो इंटीजर उसके एक्चुअल मास के बिल्कुल क्लोज होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कार्बन का एक्चुअल मास जो है वो मान लो 12.0007 इस टाइप से कुछ है, तो मैंने इसको मास नंबर क्या असाइन कर दिया, 12। तो इस तरीके से जब हम सभी पीरियोडिक टेबल के एटम्स को चेक करेंगे तो उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि सबसे ज्यादा जो क्लोज वैल्यू थी, मतलब एक्चुअल मास मास नंबर के सबसे ज्यादा क्लोज कार्बन का ही है। मींस इसका मास नंबर और इसका एक्चुअल मास दोनों वेरी वेरी क्लोज है, इसलिए हम इस एटम को एक स्टैंडर्ड एटम लेकर चलते हैं एज कंपेयर टू अदर एटम्स। गॉट माई पॉइंट? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कार्बन 12 का ही क्यों यहाँ पे जनरलाइजेशन लिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि एक जो 1 AMU है ना, ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसके इक्वल है, तो इसका मतलब मुझे एक कार्बन एटम का मास चाहिए जिसको मैं यहाँ पुट करूं। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में +1 या 2 में की भी हुई है मोल्स की कैलकुलेशन। आपको पता है कि आप किसी भी एटम के अगर 1 मोल ले रहे हो इसका मतलब उसके अंदर इतने एटम्स हैं,
गुड माई पॉइंट, मतलब मैं आपको कहती हूँ कि आपने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स ले लिए, तो इसका मतलब उसके अंदर इतने कार्बन एटम कंटेन्ड है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि वेट कितना है उन एटम्स का, तो आप कह रहे हो 12 ग्राम। कहने का मतलब है कि कार्बन के इतने एटम्स जो हैं वो 12 ग्राम के इक्वल हैं, ठीक है। तो मुझे कार्बन के कितने एटम का वेट चाहिए, एक का, तो एक कार्बन एटम का वेट कैसे निकालोगे, 12 डिवाइड बाय दिस फैक्टर। इतने, ये जो चीज आई है ना, इट इज अ वेट ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। अब मुझे यहाँ पे भी तो यही चीज चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, 1 AMU को किसके इक्वल रख दिया, 1/12 एज सच, और मास 1 कार्बन एटम का मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये 12 इस 12 से कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास फिर क्या चीज बनेगी, ये जो फैक्टर बन रहा है इसको 1 बाय करके आपने इसको सॉल्व किया, तो आपके पास ये चीज आ गई, मीन्स 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 1 AMU की ये वैल्यू आ गई और ये केजी में है, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये न्यूक्लियन का मास ही तो है, मींस दिस मास इज अ मास ऑफ प्रोटॉन और यू कैन से मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है कि 1 AMU का जो वेट है वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, अगर मैं केजी में बात करूं तो, या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। अब स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि यहां भी वेट है, यहां भी वेट है, अभी तक भी हम मास और एनर्जी की रिलेशन में नहीं पहुंचे। उसके लिए मैं मोस्ट फेमस आइंस्टाइन की एक रिलेशन यूज करती हूँ, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आपको पता है ई एनर्जी है, एम यहाँ पे मास है, और सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। यहां मुझे उस मास को पुट करना है जिसका मैं एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना चाहती हूँ। मैं निकालना किसका चाहती हूँ, अभी आपने देखा मुझे इस, ये जो मैंने अभी वैल्यू निकाली है 1 AMU की, मुझे इसका एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है, गॉट माई पॉइंट। तो मैंने m के प्लेस पे उसी वैल्यू को रखा और c की वैल्यू भी पुट कर दी, 3 × 10⁸। और जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, बाकी ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जूल में ये आ रही है। अब आपको पता है कि 1 MeV जो है वो 1.6021 × 10⁻³⁷ जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गई, तो आपके पास एनर्जी कितनी आई, 931.4 MeV, मींस 1 AMU किसके इक्वल है, 931.4 MeV के, ठीक है। आप अपने बुक्स में इस रिलेशन को डायरेक्ट देखोगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए बताई है क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल करते वक्त हमें समझ नहीं आता कि हम एकदम से मास को एनर्जी में कैसे लिख देते हैं। तो ये कन्वर्जन्स है जो हमें, ये कह दो कि न्यूक्लियस फिजिक्स में न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते वक्त बहुत ज्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, इसलिए मैंने इस रिलेशन को यहाँ पे आपको कंप्लीट ड्राइव करा के दिखाया है। बाकी अगर प्रैक्टिकली आप मास की बात करो तो न्यूक्लियस का मास वही है, जेड एम पी प्लस में ए माइनस जेड एम एन, गॉट माई पॉइंट। एंड इट इज अ 99.9% ऑफ द एटम मास, एटम के टोटल मास का 99.9% जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रिसाइड करता है, और जो कंट्रीब्यूशन 1% बच भी गई वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, गॉट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, होप सो आपको मास। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की। आपको अगर स्लाइड पे शो हो रहा हो तो मैंने काफी न्यूक्लियस बना रखे हैं, और यहाँ पे मैं ये चीज रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट जो आपके पास न्यूक्लियस है वो एक ऐसे एटम का न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A1 है, और उस न्यूक्लियस का जो साइज है, या ये कह दो जो वॉल्यूम है, वो V1 है, गॉट माय पॉइंट। इस तरीके से मैंने सभी के मेंशन किए हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियस जो है वो मास नंबर A1 और वॉल्यूम V1 का है, सेकंड A2 V2, थर्ड A3 V3, फोर्थ वन A4 V4, एंड लास्ट इज A5 V5। अब स्टूडेंट्स मैंने एक रिलेशन लिखी है यहाँ पे,
कि जिस तरीके से आप राइट साइड के न्यूक्लियस की तरफ प्रोसीड कर रहे हो तो इनका मास नंबर बढ़ रहा है, और हम साथ में ये चीज भी नोट कर रहे हैं कि एज मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस. गॉट माई पॉइंट? कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. अब अगर आप ध्यान से हाइपोथेसिस को रिमाइंड करो तो मास नंबर एक्चुअल में आपको बताता क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. इट मींस मास नंबर बढ़ने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन का नंबर बढ़ रहा है. तो यहां से हमें ये चीज पता लग रही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो रहा है. और साइज में न्यूक्लियस की जो शेप लेते हैं हम नॉर्मली वो स्फेरिकल लेते हैं, तो साइज मींस वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा. अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. मैंने ये जनरल इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे आर जो है वो जिस न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हो उसका रेडियस है और कैपिटल ए उसका मास नंबर है. गॉट माय पॉइंट? ये डायग्राम स्टूडेंट्स मेरा बनाने का पर्पस यही था कि आपको यहाँ से समझ आए कि जैसे जैसे अंदर जो न्यूक्लियॉन मैंने डाले हैं उनका नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो रहा है. यहाँ से सिर्फ मैं आपको यही चीज बताना चाहती थी. अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकली और ट्रीट करते हैं ताकि हमें न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकाला जाता है वो उसका कोई एक एक्सप्रेशन मिल जाए. तो देखो स्टूडेंट्स, 4/3 πr³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के. गॉट माई पॉइंट? अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगी तो मुझे एक कॉन्स्टेंट पैरामीटर लगाना पड़ेगा जिसको मैंने आर नोट से डिफाइन किया है स्टूडेंट्स. तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर इज इक्वल्स टू आर नोट ए की पावर 1/3. यहाँ पे आर नोट जो है ना स्टूडेंट्स, ये रेडियस पैरामीटर है जो हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस वेरी करता है. मीन्स अगर हैवी न्यूक्लियस ले रहे हो तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर आप लाइट न्यूक्लियस लोगे तो इसकी वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट होगी. बट अगर मैं रफली बात करूं आपके साथ तो जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 72 से अबव होता है उनके लिए रफली इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो हम लेकर चलते हैं 1.3 × 10⁻¹⁵ मीटर. और अगर आप फर्मी में बात करना चाहो तो 1.3 फर्मी. गॉट माई पॉइंट? अब आप इस आर नोट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास एक रिलेशन बनेगी, आर इज इक्वल टू 1.3 a³ / 1/3 फर्मी. ये रिलेशन जो है ये यूज की जाती है किसी भी न्यूक्लियस के रेडियस को निकालने के लिए. अब मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है और आपको उसका मास नंबर पता है, तो अगर आप मास नंबर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको उसके रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी. अब स्टूडेंट्स, मैंने जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया कि न्यूक्लियर जो आपके पास न्यूक्लियस है उसका रेडियस कैसे निकाला जाए, तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे बात की कि उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन हैं, मैंने आपसे ये बात की. अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि मैं न्यूक्लियॉन को मास के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ या चार्ज के अकॉर्डिंग. मैंने जो आपके साथ यहाँ डिस्कस किया ये न्यूक्लियर मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया. वैसे न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हो, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर मास जो है वो ए है. मास नंबर जो है, मास नंबर डायरेक्टली आपको यही बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना मास एग्जिस्ट कर रहा है. गॉट माय पॉइंट? और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपको एटॉमिक नंबर से पता लगता है, समझ रहे हो ना? न्यूक्लियर मास इज कनेक्टेड विद अ मास नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज इज कनेक्टेड विद एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो आप रेडियस निकालने के लिए दोनों तरीकों से काम कर सकते हो कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. इस तरीके से काम करोगे तो उसको बोलोगे न्यूक्लियर मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. और अगर आप चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इस अकॉर्डिंग स्टडी करोगे तो उसको बोला जाएगा न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
तो हमने डायरेक्ट नहीं बोल दिया कि इसका रिलेशन यही आएगा, पहले हमने दोनों चीजों से उसकी स्टडी की, ठीक है, मींस मास के अकॉर्डिंग भी उसको देखा, चार्ज के अकॉर्डिंग भी हमने उसको स्टडी किया। तो हमें ये मिला कि मास वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास नंबर पे डिपेंड कर रही है, चार्ज वाली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, और ए और जेड भी तो एक दूसरे के साथ लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो मींस आप दोनों में से किसी भी एस्पेक्ट को लेके न्यूक्लियर रेडियस निकालो, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आती है। गॉट माय पॉइंट? तो ये स्टूडेंट्स हमारी स्टडी थी न्यूक्लियर रेडियस को लेकर, कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा, मास नंबर इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज होगा, और उसको हम फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके हमने ये रिलेशन निकाली है। इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाता है और सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है स्टूडेंट्स वो, बाकी एंड में मैं आपसे न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगी, उस टाइम पे हम करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से स्टडी करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे स्टूडेंट्स, दैट इज डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। गॉट माई पॉइंट? डेंसिटी का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर, नॉर्मली बात करें पहले हम, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी कंटेनर के अंदर अगर कोई चीज डाली है, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना कंटेंट डाला है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वहां भी यही चीज है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मीन्स न्यूक्लियस का मास न्यूमरेटर में रखना है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में रखना है। तो अब आपको पता है मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब क्यों रख रही हूँ, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी को स्टडी करते वक्त ये कहा भी है कि जो न्यूक्लियस की शेप है दैट आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, और इसका भी एक रीजन है हमने उसको स्फेरिकल क्यों लिया है, उसकी भी हम बात करेंगे क्वाड्रपल मोमेंट करते टाइम। तो यहाँ पे आप बस इतना समझिए कि न्यूक्लियस बोलते ही आपके माइंड में शेप बननी चाहिए स्फेरिकल और उसके अंदर न्यूक्लियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे आर जो है वो रेडियस है न्यूक्लियस का, और आप ये लिख सकते हो आर को, ये रिलेशन होती है आपके पास, आपने स्टडी की है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, और अगर आप आर का क्यूब फाइंड आउट करना चाहो तो यहाँ बन जाएगा आर नॉट क्यूब ए, और उसको आप यहाँ पे रख दो। गॉट माय पॉइंट? अब ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम न्यूक्लियस का ये आ चुका है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के मास की। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कोई बिल्कुल एप्रोप्रिएट कैलकुलेशंस करके टू द पॉइंट आंसर नहीं निकाल रही, मैं आपसे लगभग आपको ये आइडिया देना चाहती हूँ कि डेंसिटी की क्या रेंज होती है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का मास निकालते टाइम आपने फॉर्मूला किया था जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, और मैंने ये चीज भी कही थी कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हमें एम्पियर एम एन लिखने की जरूरत क्या है, हम ये मान लेते हैं कि वो न्यूक्लियन है सारे और उनका टोटल नंबर कितना है, ए है, और एक न्यूक्लियन चाहे वो प्रोटोन है चाहे वो न्यूट्रॉन है उसका मास कितना है, स्मॉल m, तो टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, कैपिटल A, तो टोटल न्यूक्लियस का मास कितना आ जाएगा, स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A, एंड A इज अ मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस। गॉट माय पॉइंट? तो इस m a को हम यहां पुट कर देते हैं, दैट इज मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपके पास ये न्यूमरेटर में भी कैपिटल A आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज मास नंबर, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डेंसिटी की रिलेशन आएगी स्टूडेंट्स स्मॉल m डिवाइड बाय 4/3 पाई r नॉट क्यूब। अगर आप यहाँ नोट करो तो यहाँ कहीं भी न्यूक्लियस का ना तो रेडियस आया ना ही उसका मास नंबर आया, इट मींस कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड कर रही है तो किस पे कर रही है, न्यूक्लियन के मास पे, तो न्यूक्लियन का मास तो वही रहना है चाहे आप न्यूक्लियस हीलियम ले लो, लिथियम ले लो या यूरेनियम ले लो। इट मींस ये इक्वेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब मैंने वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्योंकि इसमें आर नोट आ रहा है, आर नोट की वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी करती है,
ठीक है, बट अगर मैं रफली उसको भी कांस्टेंट लेके चलूं तो हमारे पास डेंसिटी लगभग सेम आएगी सभी न्यूक्लियस की। यहां मैं आपको यही चीज बताना चाह रही थी कि न्यूक्लियस की डेंसिटी उसके मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ न्यूक्लियोन के सिंगल मास पे डिपेंड करती है, एंड दैट विल बी सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लियाई इज ऑलमोस्ट सेम। ये तो बात हुई कि न्यूक्लियस की डेंसिटी वेरी करती है या नहीं करती। हमने अपनी कैलकुलेशन से आइडिया लगाया कि रफली वो सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो होता है। अब मैं बात करती हूँ कि डेंसिटी एक्चुअल में होती किस रेंज में है, 100, 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, मीन्स थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि वो किस रेंज में आती है। ठीक है, तो हम इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने ये वैल्यू लिखी है ना, इसमें मैं m की वैल्यू, r नॉट की और पाई की वैल्यू पुट करूंगी, उसके बाद मैं ये देखूंगी कि डेंसिटी का अप्रोक्सीमेटली किस टाइप से बिहेवियर रहता है। तो आप देखो, यहाँ पे मैंने m की वैल्यू भी पुट कर दी, ये आपको पता है केजी में है ये वैल्यू, 4/3, पाई 3.4, r नॉट की वैल्यू भी हम पुट कर चुके हैं, ये भी मीटर में मैंने पुट की है। जब आप इस सब को सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब आ रहा है। इस बात को आप समझ रहे हो कि कितना ज्यादा डेंस है न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, दैट इज 10 की पावर 17 की रेंज में। आप किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी निकाल कर देखो, अगर आप देखोगे तो इस तरह की से आएगी 2.4, 2.7 इंटू 10 की पावर 17। 10 की पावर 17 आपको सब जगह मिलेगा, और आगे का इंटीजर चेंज हो सकता है, जैसे 2 तो सेम ही रहेगा जो आपने नंबर लिया है डेसिमल में, जैसे 2.4 हो सकती है, साथ में 2.9 हो सकती है, बट पावर रिमेन सेम 10 की पावर 17। और ऐसी जो डेंसिटी इतनी हाई है ना, वो कुछ स्टार्स में देखी गई है, जैसे वाइट ड्राफ्ट में, ठीक है, वहां पे इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है। गॉट माय पॉइंट? और इतनी ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ही हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक कंप्रेसिबल फ्लूड की तरह बिहेव करता है। गॉट माय पॉइंट? तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट्स हमारा डेंसिटी के लिए। तो यहां से हमने यही कंक्लूजन निकाला कि डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इट रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस, एंड इट इज वेरी हाई, लाइक रेंज 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, सो इट बिहेव लाइक अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, कि कौन से टाइप के माइक्रो पार्टिकल्स, या मींस ये कह दो कि कौन से न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मींस न्यूक्लियोन किस टाइप की स्टैटिक्स को फॉलो करेंगे, कौन सी स्टैटिक्स इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगी, अब हम उस चीज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स अभी प्रीवियस सेमेस्टर में स्टडी भी की है कि दो टाइप की स्टैटिक्स होती है मेनली, क्वांटम स्टैटिक्स एंड क्लासिकल स्टैटिक्स। क्लासिकल आप वहां पे अप्लाई करते हैं जहां आप नॉर्मल साइज के पार्टिकल्स का डिस्कशन कर रहे हो, जहां पार्टिकल का साइज माइक्रो रेंज में आ जाए वहां पे क्वांटम स्टैटिक्स ही अप्लाई होती है। तो यहाँ हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम क्लासिकल स्टैटिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एबल नहीं है सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम स्टैटिक्स ही यहाँ पे यूज होगी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, किन पार्टिकल्स की, जैसे न्यूक्लियस है, प्रोटोन है, न्यूट्रॉन है, इन सबकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन। फिर आपको ध्यान हो तो आपने क्वांटम की भी दो टाइप पढ़ी थी, फर्मी डिराक स्टैटिक्स एंड बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। गॉट माय पॉइंट? तो अब मैं उन्हीं के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट्स। फर्मी डिराक स्टैटिक्स जो थी वो उन पार्टिकल्स पे अप्लाई कर रहे थे आप जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन हो, ठीक है, मीन्स जिन पार्टिकल की स्पिन एच कट बाय टू का मल्टीपल हो। गोट माई पॉइंट? जैसे एच कट बाय टू है, 3H cut by 2 आ रही है, ठीक है, 4H cut by 2 आ रही है, 5H cut by 2 आ रही है, मीन्स जिनकी स्पिन एच कट बाय टू का मल्टीपल होगी उन सभी पार्टिकल्स को आप फर्मी डिराक स्टैटिक्स में पढ़ोगी, और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फर्मियोन्स। गोट माई पॉइंट? एग्जाम्पल के लिए देखो, प्रोटोन की स्पिन क्या होती है, एच कट बाय टू,
न्यूट्रॉन की भी यही होती है, इलेक्ट्रॉन्स की भी यही होती है। और ये चीज मैंने आपको हाइपोथेसिस करते वक्त भी समझाई थी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है, ठीक है, मींस वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होती है, गॉट माय पॉइंट। और ऐसे पार्टिकल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं, मींस किन्हीं भी दो फर्मियोन्स की सेम स्टेट नहीं हो सकती, एक स्टेट में एक ही फर्मियोन लाई करेगा, गॉट माय पॉइंट। और ऐसे सिस्टम जो फर्मियोन्स से मिलके बने हों उनका वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होगा, ठीक है, मींस सिस्टम फर्मियोन होना चाहिए, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का मतलब है कि ऐसी स्टैटिक्स जो ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बताए जिनकी स्पिन एच कट कर मल्टीपल हो, गॉट माय पॉइंट। और ऐसे पार्टिकल्स को बोला जाता है बोसोन्स, जैसे फोटोन है, ड्यूट्रॉन है, आपने हाइपोथेसिस में स्टडी भी किया था स्टूडेंट्स कि ड्यूट्रॉन की स्पिन 1 होती है, मींस एच कट का मल्टीपल है, ठीक है। फोटोन की स्पिन 0 होती है, आप ये चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये तो मैंने बेसिक पार्टिकल्स की बात की स्टूडेंट्स, अगर मैं पूरे न्यूक्लियस की बात करूं, ठीक है, तो जिस न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, ठीक है, वो बीई को फॉलो करेंगे। जैसे आपने ड्यूट्रॉन में स्टडी किया था, वहां पे इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी स्पिन 1 आ रही थी। तो जिस न्यूक्लियस का मास नंबर इवन है वो बीई में स्टडी होंगे, और जिनका मास नंबर ओड है वो एफडी में स्टडी होंगे, गॉट माय पॉइंट। और वेव फंक्शन ऐसे सिस्टम का जो बोसोन्स हैं वो सिमेट्रिक होगा। अब आपको थोड़ा सा इस पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी यहाँ पे, कि आप इस बात से क्या समझे कि सिस्टम ऑफ फर्मियोन्स, सिस्टम ऑफ फर्मियोन्स का मतलब ये है कि जो आपका ओवरऑल सिस्टम है वो बिहेव करे, मींस जो सिस्टम है ना उसकी रिजल्टेंट स्पिन जो होनी चाहिए वो एच कट बाय 2 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है, मींस अ सिस्टम हुज स्पिन इज अ मल्टीपल ऑफ एच कट बाय 2 हैव अ वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक, गॉट माय पॉइंट। और ऐसा सिस्टम जो जिसकी रिजल्टेंट स्पिन एच कट का मल्टीपल हो ऐसे सिस्टम का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्मी डिराक स्टैटिक्स और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ये दोनों स्टैटिक्स हम यूज करेंगे किसके लिए, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं आपके साथ, हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ तक डिस्कस कर ली और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज रह गई उसको हम नेम्ड एज न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज 2 के नाम से डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना क्योंकि यही प्रॉपर्टीज आगे जाके आपका बेस बनेंगी आगे वाले यूनिट्स के लिए, गॉट माई पॉइंट। ओके, थैंक यू।